नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मंजू मंजू। धन्यवाद कविता, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल व्यक्ति के जीवन में ना सिर्फ बड़े बड़े बदलाव लेकर आती है बल्कि कई उतार चढ़ाव का भी उन लोगों को सामना करना पड़ता है। और इसलिए हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं आपका मासिक राशिफल। और आज हम बात करेंगे आखिरकार सितंबर का ये महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, उनकी सेहत कैसी रहेगी, करियर कार्य क्षेत्र में कितनी उन्नति करेंगे, कितना अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और बात करें कि उनकी आर्थिक स्थिति इस महीने कैसी रहने वाली है, रिश्तों में कितनी मिठास और पारदर्शिता रहेगी, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से जानेंगे मयंक शर्मा जी से। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस महीने 12 भाव में ग्रह नक्षत्र कहाँ कहाँ बैठे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वृषभ राशि वालों की जो ये हमने सितंबर का राशिफल है जी, ये 1 तारीख की कुंडली है। 1 तारीख की कुंडली में 1 तारीख को जो भी ग्रह जहाँ बैठे थे उसका ये टोटल एनालिसिस है। लगन में कोई ग्रह नहीं है, सेकंड हाउस में राहु है, थर्ड हाउस में शुक्र है, फोर्थ में सूर्य बुध है, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ हाउस बिल्कुल खाली है। आते हैं 8th हाउस पर जहाँ गुरु और केतु विराजमान है, 9th हाउस पर शनि है, 10th हाउस में चंद्रमा है, 11th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, 12वें घर में मंगल है। तो ये कुछ ग्रह स्थिति थी 1 सितंबर 2020 की, और 6 ग्रह का राशि परिवर्तन होगा इस महीने। और सामान्यतः हर महीने सूर्य बुध और शुक्र तो राशि परिवर्तन करते ही हैं, और चंद्रमा हर सवा दो दिन में आज राशि परिवर्तन करता है, और मंगल हर 45 दिन में करता है। लेकिन इस माह स्पेशल क्यों है, क्योंकि राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 23 सितंबर 2020 को जी। उसके बाद बहुत बड़ा घटनाक्रम हर राशि में चेंज होगा, बहुत बड़े बदलाव आएंगे, और साथ साथ शनि जो है जो अभी वक्री चाल से चल रहे हैं वो भी मार्गी हो जाएंगे। तो 23 सितंबर के बाद काफ़ी कुछ ग्रह नक्षत्रों में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन वृषभ राशि वालों की जो ये मासिक कुंडली हम बता रहे हैं ये चंद्रमा पर आधारित है, चंद्र राशि के आधार पर बता रहे हैं। और यहाँ पर ये आपकी वृषभ जो आप 2 नंबर की ये देख रहे हैं, राशि देख रहे हैं, ये लगन इसको आप मान के चलें चंद्र लगन, और ये ना कन्फ्यूज़ होएं कि यहाँ 11 नंबर की राशि लिखी है, ये कोई कुंडली नहीं है। क्योंकि आप ये ना सोचें, बहुत से लोग ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर आप कुंभ राशि वालों के लिए बता रहे हो चंद्रमा कुंभ राशि में है और ऊपर वृषभ राशि लिखा है। देखिए 1 तारीख का गोचर है, 1 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में था, तो ये चीज़ हमने यहाँ मेंशन करी है, राशि वृषभ ही है आपकी। चलिए आइए जान लेते हैं कि मासिक राशिफल के अनुसार आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए इस माह वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य जो है आमतौर पर ठीक रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन खान पान पर थोड़ा संयम बरतेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा जी। क्योंकि गुरु केतु का योग जो है वो आपके लिए थोड़ा सेहत संबंधी कष्ट दे रहा है, खासकर पेट संबंधी रोग इस समय परेशान कर सकते हैं, और या जिनको इस समय फैटी लीवर की समस्या है वो इस समय बढ़ सकती है। थोड़ा खान पान पर संयम बरतेंगे तो फिर कोई बड़ी समस्या वृषभ राशि वालों को नहीं फेस करनी पड़ेगी इस महीने। चलिए ये तो हमने जान लिया कि इस महीने आपकी सेहत कैसे रहने वाली है, और आइए फटाफट से जान लेते हैं कि वृष राशि वाले जितने भी विद्यार्थी हैं खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में वो कितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आखिरकार उनका करियर इस महीने क्या कुछ रहता है। स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं उनको भी थोड़ा समय रुकना चाहिए, वो अगर सितंबर तो नहीं लेकिन नवंबर से उनके योग बनेंगे विदेश जाने के। अगर कोई आपका इस समय इंटरव्यू वगैरह है तो वो उस आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, आपको इंटरव्यू में बड़ी सफलता मिलेगी, चाहे वो नौकरी के लिए है या किसी कंपटीशन के लिए है। कुल मिलाकर जितनी मेहनत करेंगे वृषभ राशि वालों उतना ही लाभ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए लाभ से जुड़ा ही होता है आपका व्यवसाय। जी हाँ, आपका कहें कि कारोबारी के लिए और ख़ास तौर पे नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए आखिरकार उनके कार्य क्षेत्र में उन्हें कितना लाभ होगा कितना नहीं होगा, आइए ये भी जान लेते हैं। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, नौकरी में लाभ होगा। शुक्र चंद्रमा की स्थिति सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, तो नौकरी में आप अपने काम को बेहतर तरीके से करेंगे, कोई समस्या आपके कार्यस्थल पर नहीं आएगी। व्यवसायियों के लिए समय और भी अच्छा है, क्योंकि दशम और नवम भाव का स्वामी शनि बैठा है, बहुत शुभ स्थिति में है, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है केंद्र में, शुक्र भी तृतीय भाव में है, तो कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी अच्छी है, व्यवसाय में भी अच्छी सफलता आपको मिलेगी। चलिए व्यवसाय से ही जुड़ा होता है आपका आर्थिक जीवन, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आइए फटाफट से जान लेते हैं कि आपके रिश्ते क्या कुछ कहते हैं, आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग इस महीने कैसा रहेगा।
देखिए प्रेम प्रसंगों में आपको सफलता मिलेगी, कोई नया रिलेशन भी स्टार्ट हो सकता है। जो आपके अगर कोई ब्रेकअप हुआ था तो वो रिलेशन फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं लव रिलेशनशिप में भी। लेकिन वैवाहिक जीवन थोड़ा कष्ट में रहेगा। कारण क्या है कि 12वें भाव में मंगल बैठा है और इसकी अष्टम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो ये वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियाँ पैदा कर रहा है। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद मतभेद रह सकते हैं, तो इन चीज़ों को टालें, मिल बैठकर किसी मामले को सुलझाएं तो कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। क्रोध की अधिकता भी या उत्तेजना भी इस माह ज़्यादा रह सकती है, थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, थोड़ा संभल कर चलें वैवाहिक दृष्टिकोण से, तो फिर कोई बड़ी परेशानी नहीं रहने वाली है। बिल्कुल, और मेरा भी यही मानना है कि रिश्तों में क्रोध की अधिकता और वाणी पर अगर आपका संयम नहीं होता है और मन इन्हीं चीज़ों की वजह से रिश्तों में साथी के प्रति मनमुटाव रहता है, जिसके चलते आपको आपके वैवाहिक जीवन में फिर बाद में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। चलिए, ये तो हमने बात की आपके रिश्तों की, और अब बारी आती है आपके आर्थिक जीवन की। जी हाँ, आर्थिक तौर पर इस महीने आप कितना मजबूत रहेंगे, आइए जानें। देखिए आर्थिक पक्ष बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है। शनि के कारण, सूर्य बुध के कारण आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इस महीने पैसा काफी आएगा, काफी लाभ भी आपको होगा, खासकर व्यापारियों को, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों को एक फिक्स सैलरी मिलती है जी। उनका भाग्य पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। व्यापारी जो व्यापार करता है व्यक्ति, उसके ऊपर भाग्य बहुत ज़्यादा असर डालता है, यानी कि उसके हर महीने अप्स एंड डाउन उसके बिजनेस में होते हैं। कोई महीना बहुत लाभ देता है तो किसी महीने में हानि भी हो जाती है, कोई महीने सामान्य रहता है। तो ये महीना आपके लिए लाभ कमाने का है, लाभ अच्छा होगा इस महीने, धन लाभ की स्थिति बनेगी, कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके लिए बेहतर ही होंगी। चलिए अब आइए जान लेते हैं कि आखिरकार कर्म के साथ साथ आपका भाग्य इस महीने आपका कितना साथ देने वाला है। देखिए भाग्य का प्रतिशत इस समय आपका 80% आपके साथ रहता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत करेंगे तो वो उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये भाग्य प्रतिशत फिर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है और आप घर बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। मेहनत कीजिए, जब भाग्य ज़्यादा साथ देता है तो मेहनत दुगनी कर देनी चाहिए, जिससे कि हमें और भी लाभ मिले। बिल्कुल, जब तक आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स भी कुछ नहीं मिल पाएंगे। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते फटाफट से जान लेते हैं कि क्या कहते हैं उपाय। जी बिल्कुल, देखिए उपाय इस महीने क्या करने हैं, एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस माह अपने घर पे आप सुंदरकांड का पाठ करवाएं, अगर पति पत्नी और आप अगर आपके माता पिता साथ में रहते हैं तो सभी लोग बैठकर सुंदरकांड पढ़ें जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन बूंदी के लड्डू का दान मंदिर में करने से आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी, परेशानियों से राहत मिलेगी। केसर का तिलक आप नियमित इस माह लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। काले कुत्ते को रोटी देने से भी आपका केतु ग्रह शांत होगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होंगी। और बृहस्पतिवार के दिन आपको क्या करना है, इस माह में जो भी बृहस्पतिवार पहला आएगा आपको क्या करना है?